दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं कि जिंदगी क्या है और कामयाबी क्या है। तो एक बेटे ने एक बार अपने पिता से पूछा कि पापा, कामयाब जिंदगी क्या होती है। जवाब में वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर पतंग उड़ाने चला गया। बेटा बाप को गौर से पतंग उड़ाते हुए देखने लगा। कुछ देर बाद बेटे ने पूछा, इस धागे की वजह से पतंग और ऊपर नहीं जा पा रही है, तो क्या हम इस धागे को तोड़ दें, ये और ऊपर चली जाएगी। उसके पापा ने लड़के के कहने पर धागा तोड़ दिया। पतंग उड़ती हुई थोड़ी और ऊपर चली गई और उसके थोड़ी देर बाद लहराकर नीचे दूर अनजान जगह पर जाकर गिर गई। तब पिता ने बेटे को बोला कि जिंदगी का फार्मूला समझाता हूं। पापा ने अपने बेटे को कहा, देखो जिंदगी में हम जिस भी ऊंचाई पर हैं, तो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि कुछ चीजें जिनसे हम बंधे हुए हैं वह हमें ऊपर जाने से रोक रही हैं, जैसे घर, खानदान, परिवार, दोस्त वगैरह, और हम उनसे आजाद होना चाहते हैं। असल में यही वो धागे होते हैं जो हमें ऊंचाई पर बना के रखना चाहते हैं। उन धागों के बगैर हो सकता है हम एक बार तो ऊपर चले जाएं, लेकिन बाद में हमारा भी वही हश्र होगा जो धागा टूटने के बाद पतंग का हुआ। तो जिंदगी में अगर तुम बुलंदियों पर रहना चाहते हो तो कभी भी इन धागों से रिश्ता मत तोड़ना। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि इस टाइम जो वर्चुअल दुनिया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आदि, इस दुनिया में इतना मत खो जाना कि रियल रिश्ते, असली रिश्ते भूल जाना पड़े आपको। क्योंकि जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन रियल में तुम उस अंधकार की वर्चुअल दुनिया में खो जाओगे जो कभी था ही नहीं। तो जिंदगी की कामयाबी रिश्तों से जुड़ी हुई है, अपनों से जुड़ी हुई है। उसके साथ ही आप उस चीजों को एंजॉय कर पाओगे, उनका साथ निभा पाओगे और अपनी खुशी को, अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट कर पाओगे। धन्यवाद।